और अब बात दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के प्रदर्शन की करेंगे। दिल्ली में इस वक्त भी अकाली दल कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मौजूद है। गुरुद्वारा रकाबगंज के पास सबसे ज्यादा संख्या में इस वक्त कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। आज कृषि कानून की पहली सालगिरह है। आज ही के दिन संसद से इन कानूनों को पास किया गया था। अकाली दल ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल आज का जो कार्यक्रम था, अकाली दल के तमाम कार्यकर्ता कल ही देर रात दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद भारी जाम की तस्वीरें अब आप देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में आज शुक्रवार ही है और ऐसे में लोग ऑफिसों के लिए भी निकले हैं, दफ्तरों के लिए भी निकले हैं। तो जिन लोगों को दिल्ली से नोएडा आना है या फिर नोएडा से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, इस बीच देखिए उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। बंपर टू बंपर यहाँ पर आपको गाड़ियाँ नजर आएंगी और इस बीच कई कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले भी जा रही है। अनीशा माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कई कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले भी गई है। देखिए, सुबह कुछ थोड़ी बात हुई थी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बिल्कुल शांति है। आपको हम दिखा दें, यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो लीडरशिप है श्रोमणी अकाली दल की, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर, दोनों अभी अंदर हैं गुरुद्वारा रकाबगंज के अंदर। अभी मीटिंग चल रही है कि आगे क्या होगा। अंदर गुरुद्वारे में अरदास के बाद ही ये रैली जो है आगे बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट भी यही की जा रही है कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश ना करें। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी पुख्ता यहाँ पर पूरी तैयारी है। सारे डबल लेयर बैरिकेडिंग दोनों तरफ लगी हुई है। गुरुद्वारा रकाबगंज के चारों तरफ जो आसपास की सड़कें हैं सारे में काफी हद तक पुलिस प्रेजेंस है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। गुरुद्वारे के गेट के दोनों तरफ भी काफी पुलिस प्रेजेंस है यहाँ पर। और जहाँ तक दिल्ली में लोगों के आने की का सवाल है, दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। बहादुरगढ़ झरौदा बॉर्डर पे बैरिकेडिंग है। दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले सभी कच्चे पक्के रास्ते सील किए गए हैं। पंजाब से आ रहे कार्यकर्ताओं को और लोगों को आने पर रोकने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी सड़कों पर भारी पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर आसपास में जो अशोका रोड है, पंत मार्ग है, सारे में काफी हद तक पुलिस की तैनाती करी गई है। यहाँ पर नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड पर जो दिल्ली का बॉर्डर है उसको भी अच्छे से सील कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और तैयारी पूरी है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इतने हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है SAD के, जो ये फार्म लॉ जो है उनको रिपील करने के मांग लेकर यहाँ खड़े हैं। ये यही कह रहे हैं कि 1 साल से प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और आज जो नजर आज लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली, खासतौर पर जो सेंट्रल दिल्ली है वहां पर जारी रहेगा। और इस वक्त भी वहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो यही कि उस रास्ते से आपको बचना चाहिए, वहां पर आप जाम से दो चार हो सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उजला है, देखते रहिए आज तक।